भारत समेत देश और दुनिया कोरोना संक्रमण के लपेटे में है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार देशवासियों को नियम ना तोड़ने की बात कर रहे हैं। कोरोना का असर कानपुर में भी निरंतर विस्तार ले रहा है, जिसे देखते हुए कानपुर के 7 इलाकों को रेड जोन घोषित किया जा चुका है। जिलाधिकारी कानपुर ब्रह्मदेव राम तिवारी जनता के लिए तमाम सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो जनता लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को ठेंगा दिखा रही है, जिसके बाद आला कमान अब शक्ति दिखाने के मूड में आ चुके हैं। बताते चले कि दिल्ली मरकज जमात में शामिल हुए लोगों के इधर उधर होने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस तेजी से विस्तार ले रहा है। कानपुर से संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कानपुर में आप बताते चले, जहां कोरोना वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा है, वहीं पर लॉकडाउन का कल जिलाधिकारी ने आदेश दिया। आइए आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो बर्रा हाईवे पर, नेशनल हाईवे पर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर आपको बताते हैं कि जो प्रशासन द्वारा कल आदेश दिया गया था कि 188 की कार्रवाई करी जाएगी, तो वहीं अभी जनता जो समर्थन की तरह कर रही है। काफ़ी जब नज़ारा देखने को मिला है, उसका आप देख सकते हैं इस वक्त की जो नज़ारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब पूरी तरह जनता समर्थन कर रही है। अगर नहीं भी समर्थन करती है तो इसके खिलाफ 188 के तहत कड़ी कार्रवाई के लिए आएगी, क्योंकि प्रशासन हर जगह मुस्तैद है और हर तरीके से ज़रूरतमंद वाहन निकल रहे हैं, जिससे कि सिलेंडर हो गए और दवाओं के जो लोग निकल रहे हैं, खाली ज़रूरतमंद लोग निकल रहे हैं, बाकी अदरवाइज कोई बंदा नहीं निकल रहा। अगर वो भी निकलता है तो उनसे पूछताछ करी जा रही है और उनको समझा कर घर भेजा जा रहा है। देखिए, और कुछ तस्वीरें आपको बताते हैं, कुछ बंदा की ऐसी तस्वीरें हैं जो कि यहाँ पर कुछ ही लोग माने हैं, बाकी जो अन्यथा जो और भी लोग हैं खाली यहाँ से निकल रहे हैं और देख भी रहे हैं कि देखते हैं जरा सा प्रशासन नहीं आता तो उसी जगह फिर वापसी आना जाना चालू करते हैं।